दरभंगा में फिर से चली गोली, युवक को अपराधियों ने मारी सिर में गोली, हालत नाजुक। दरभंगा के एक निजी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, हालत नाजुक होने के चलते उसे पटना रेफर कर दिया गया है। जी हां, हनुमान नगर से बड़ी खबर है, जहां समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जटमलपुर गाँव निवासी दरेश राय के 30 वर्षीय पुत्र मिथिलेश राय उर्फ लंगरा को गोली मार दी गई है। जी हाँ, यह शाम की घटना बताई जा रही है। वारदात विशनपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव का है, जहां मिथिलेश राय की बदभैया गाछी में देर शाम गोली मार दी गई है। अपराधियों ने युवक मिथिलेश के सिर में गोली मारी है। वही गोली हुई मारने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए हैं। जानकारी के अनुसार मिथिलेश अपने ननिहाल मुस्तफापुर में नाना चंद्र यादव के यहाँ बचपन से ही रह रहा था। तत्काल स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए DMCH पहुंचाया, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में ले जाया गया। फिर उसके बाद वहां से उसको पटना रेफर कर दिया गया है। वही आपको बताते चले, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वही थाना अध्यक्ष अकमल खुर्शीद सारे मामले की छानबीन कर रहे हैं कि आखिर मिथिलेश को किस तरीके से गोली लगी है। उसका इलाज चल रहा है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। हमको भी इसी तरह चला जो गोली लगा, मजा हम लोगों को तो पता नहीं है, हमको तो रास्ते रास्ते मालूम हुआ, रास्ते रास्ते से यहाँ हॉस्पिटल में। अच्छा, ये कहाँ का आने वाला है बच्चा? बच्चा है जटमलपुर का, ननिहाल में रहता था मस्तबाप। अच्छा, पिताजी का नाम? पिताजी का नाम है दरेश यादव, दरेश राय। उम्र कितना था? उम्र है 26 वर्ष। लेकिन अभी कारण का पता नहीं चला। कारण का काम क्या करता था वो? काम बाजार समिति में ठेला रेडी चलाता। रेडी चलाता था जी। लेकिन सुनते हैं विकलांग भी है वो? हाँ, हल्का विकलांग था, एक पैर से। एक पैर से विकलांग? हाँ, हल्का। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हुआ श्याम यादव। आप उसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, मुस्तफापुर से। मुस्तफापुर का हमारा भेगना लगेंगे चचा। भेगना कहाँ पर हुआ ये? उस पार हुआ बगवैया पर, बगवैया बोलता है उसको। अच्छा। मुस्तफापुर और भरौल का बीच में। अच्छा, मुस्तफापुर और भरौल के बीच में। बीच में ठीक। एक बगवैया नदी है। कहाँ पर लगा गोली? माथा में लगा, पीछे। पीछे से अभी तक गोली नहीं निकली है? नहीं, गोली माथे में फंसा। कहाँ है अभी? ICU में है, आरियो में। वो पहले घर से बच्चा उच्चा भी था? हाँ, 4 बच्चा हमको गाँव। तो वो लोग कहाँ है? वो बच्चा लोग घर पर है, रोहले तो है छोड़ी जहाँ मतलब बच्चा को पति को छोड़ते गई, छोड़ते गई। और ये तीसरा शादी मिथिलेश से की थी, और मिथिलेश से कोई बच्चा नहीं था? कोई बच्चा नहीं। 1 महीना तो हो गया किया किया। और मिथिलेश के साथ उसका पहले वाला बच्चा सब नहीं रह रहा था? वो अपना माँ बाप लंग है, अपना माँ बाप माँ बाप लंग है। बच्चा सब अपन जेकर जेकर बच्चा है ओकरा लंग है। बताया जा रहा है मिथिलेश की शादी 1 महीना पहले हुई थी। कैसे हुई थी शादी? वो लव मैरिज किया हुआ। कहाँ किया था लव मैरिज? बस जटमलपुर में। अपनी ही जाति में या अदर जाति है? सहनी। सहनी में किया हुआ था। तो वहाँ मामला ठीक था या गड़बड़ था? ठीक है, वहाँ कोई मामला नहीं, कोई मामला नहीं, कुछ नहीं। मतलब उन लोग को एक्सेप्ट है कि शादी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं? इधर से भी कोई दिक्कत नहीं है?